हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनेडियन बनिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 16 अप्रैल की पीपीआर टाइमलाइन, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर की है जिनकी पीपीआर आई हैं 16 अप्रैल को। मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली थी जब मेरे पास कुछ पीपीआर आ गई थी, बट अब मेरे साथ कुछ और पीपीआर शेयर की गई है। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मेरे पास 2 और 3 पीपीआर आई तो मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाऊंगा, बट अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा पीपीआर आई तो मैं आपकी लिए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आई थिंक स्पीड फिर से फास्ट हो रही है होली होली अगेन, एंड उसके बाद वीडियो के बाद मैं आपके साथ एक अपडेट भी शेयर करूंगा मेडिकल की। ऑलरेडी मैं वीडियो में कर चुका हूँ बट मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ बुरा हो अगर इसके पास मेडिकल की कोई कमी हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू हो। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में, बट पहले पीपीआर की बात करेंगे। बट दोस्तों, उससे पहले कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड मेरी वीडियोस की इससे क्या होगा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट क्वारंटीन, अबाउट होटल रिव्यूज़, अबाउट गवर्नमेंट क्वारंटीन। डीएम मी, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड आई विल हेल्प यू। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पीपीआर। सबसे फर्स्ट पीपीआर है कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 19th March, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर 20 March, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 16th April, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इन्हें 16th April को रिसीव हुई। नेक्स्ट, जय स्वामी नारायण लॉयलिस्ट कॉलेज मिसिसागा 12 March फाइल, 19 March को इनकी बायोमेट्रिक डन हुई, 30th April को मेडिकल अपडेट हुआ, एंड आफ्टर 3 days 16th April को इन्हें पीपीआर रिसीव हुई। आई प्रे फॉर मॉन्ट्रियल स्टूडेंट्स, थैंक यू। टुडे आई रिसीव पीपीआर रिक्वेस्ट, फाइल लॉन्च डेट इनकी 11th Feb को है, बायोमेट्रिक इनके 19th को हुए हैं, एंड उसके बाद मेडिकल इनका 6 जनवरी 2021 को अपडेट हुआ है, 29 मार्च को नॉन एसडीएस एंड कैटेगरी है, एंड उनके बाद 16th अप्रैल को इनकी पीपीआर आई है 5 PM पे। इनका कॉलेज नॉर्दियन कॉलेज है, एंड मे में इनकी क्लासेस है, IBM प्लस ISBA कोर्स है, एंड आई एम सो हैप्पी टूडे, यू आर गाइज ऑल्सो गेट यूर पी पी आर सून, डोंट वरी बी पॉजिटिव, जय माता दी। नेक्स्ट, आज हरजिंग कॉलेज दी पी पी आर आई है। ये फ्रेंड एक ने मेरे वीडियो पर कॉमेंट किया था कि आज हरजिंग कॉलेज दी पी पी आर आई है, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है अभी, बट जब भी मिलेगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। हरजिंग कॉलेज आपको पता है मॉन्ट्रियल में, मीन्स मॉन्ट्रियल की एक पी पी आर आई है। बात नोट करने वाली है कि कैसे आई है। अगर पी पी आर स्टार्ट हो गई मॉन्ट्रियल की भी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 51% इन आर्ट्स, 6.5 एस डी एस कैटेगरी, फाइल लॉन्च 20 मार्च 2021, बायोमेट्रिक 25 मार्च, मेडिकल अपडेट 13th अप्रैल, एंड रिव्यू पता नहीं, पी पी आर इनकी 16th अप्रैल को। गुड लक टू ऑल। फाइनली गोट पी पी आर फाइल 13 मार्च, बायोमेट्रिक 21 मार्च, मेडिकल अपडेट 7 अप्रैल, पी पी आर एंड बी वी एल इनको 16th अप्रैल को 12:53 AM पे रिसीव हुआ। गोट पी पी आर फाइल 2 मार्च, बायोमेट्रिक 8 मार्च, मेडिकल अपडेट 19 मार्च, रिव्यू स्टार्टेड सेम डे, बी वी एल एंड पी पी आर 16th अप्रैल। बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी 27 फेब को लगी थी, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको 2 मार्च को मिला, एंड मेडिकल अपडेट इनका जीसी की में 5 अप्रैल को हुआ, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 16 अप्रैल को रिसीव हुई। सर, माय फाइल लॉन्च इन 12 मार्च, बायोमेट्रिक 9th को, एंड मेडिकल अपडेट हुआ इनका 15th अप्रैल को, पीपीआर आई इनको 16th अप्रैल को। मेडिकल अपडेट होने के एक दिन बाद इनको अपनी पीपीआर रिसीव हो गई, एसडीएस केस है। 23 जनवरी को इनकी फाइल अप्लाइड हुई, 25 जनवरी को बायोमेट्रिक हुए, 23 मार्च को इनका मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू स्टार्टेड ऑन द सेम डे, 16 अप्रैल को पीपीआर इनकी रिसीव हुई, साथ में इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी रिसीव हुआ। फाइनली गॉट दी पीपीआर गाइस, फाइल लॉन्च 10 फेब, बायो 16 फेब, मेडिकल अपडेट इनका बिटवीन 5 फेब टू 12 फेब के बीच में हुआ, ये श्योर नहीं है कि कब हुआ, एंड 6 अप्रैल को इनकी पीपीआर आई। नेक्स्ट, गॉट पीपीआर 2 डेज, फाइल इनकी 5 मार्च को लगी है, बायोमेट्रिक इनके 8 मार्च को हुए हैं, मेडिकल अपडेट इनका 19th मार्च को, एंड रिव्यू स्टार्टेड ऑन द सेम डे, बीवीएल एंड पीपीआर 16th अप्रैल। बेस्ट ऑफ लक, कैनाडोर कॉलेज है इनका। फाइनली रिसीव्ड पीपीआर गाइस, नेम कपिल शर्मा, फाइल लॉन्च डेट 16th मार्च, बायोमेट्रिक इनके 22 मार्च को हुए हैं,
मेडिकल अपडेट इनका 16 अप्रैल को हुआ है, रिव्यू स्टार्टेड 16 अप्रैल, पीपीआर इनकी 16 अप्रैल को 230 पे आ गई थी। फाइनली गोट वीज़ा फाइल लॉन्च्ड 8 मार्च, बायोमेट्रिक 15 मार्च, मेडिकल अपडेट 24 मार्च, रिव्यू स्टार्टेड 15 अप्रैल, बीवीएल 16 मार्च को 12:28 AM पे, पीपीआर 16 मार्च को 12:45 AM पे। मींस इन्हें 15 की नाइट को सारा कुछ ये रिसीव हो गया था। एसडीएस केस फ्रेश है, 12th 2020, 96% कॉमर्स में इनके आए हैं, कोलंबिया कॉलेज है। नेक्स्ट, सो यही थी दोस्तों आज की पीपीआर। बट मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा अबाउट मेडिकल। सो दोस्तों वैसे तो मैं पहले इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, बट दोस्तों पीपीआर की जो मेरी वीडियो होती है वो कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा देखते हैं, सो मैं इसीलिए उन स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी उनकी पीपीआर आएगी तो वो ट्रैवल तो करेंगे ही, सो ट्रैवल से रिलेटेड है ये। सो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं उस डॉक्यूमेंट की बात करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीड कर सकते हैं ये। हेलो, मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। प्लीज़ अपने अपने मेडिकल अगर एक्सपायर हो गए हैं तो वो करवा लो, एम्बेसी मंगेगी फिर भी, बिकॉज कल मेरे ब्रदर ने एयरपोर्ट से मोड़ता कि तेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया। सो दोस्तों आपने रीड किया, एक गर्ल ने मेरे साथ शेयर किया है कि उनके ब्रदर का मेडिकल एक्सपायर हो गया था। सो उन्हें कनाडा एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। सो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ कि उसे वापस भेज दिया गया। सो उसने बोला है कि अपना मेडिकल ज़रूर करा कर जाएँ यहाँ से, और अगर एक्सपायर हो गया है तो दोबारा करवाएँ। सो उन्होंने ये शेयर किया है एंड थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस, बिकॉज बहुत बुरा लगता है जब कोई भी एयरपोर्ट से वापस मोड़ दे। सो इसीलिए बोल रहा है वो कि एयरपोर्ट से कोई भी वापस मुड़ के आए उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, इमिग्रेशन ऑफिसर विल नॉट गिव फुल स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट इफ़ अ पर्सन कम विद एक्सपायर्ड मेडिकल बिफोर दी अराइवल इन कनाडा। दे विल ओनली गिव 6 मंथ्स स्टडी परमिट एंड सजेस्ट टू रीशेड्यूल फॉर मेडिकल इन कनाडा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा, सो आई सजेस्ट एवरीवन टू टेक मेडिकल अगेन एंड देन ट्रैवल। सो मेडिकल जिसका एक्सपायर है कभी कभी वो वापस भेज रहे हैं, कभी कभी वो स्टडी परमिट और वर्क परमिट फुल टाइम का नहीं देते। लाइक अगर आपका डेड ईयर का कोर्स है सो आपको सिर्फ जो स्टडी परमिट है वो 6 मंथ्स का दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो ज़रूर करा के जाइएगा। एक और ब्रदर ने मेरे साथ शेयर किया है कि उसका जो फ्रेंड है वो टोरंटो में लास्ट नाइट लैंडेड किया, सो उसके बाद वो जॉब नहीं कर सकता 6 मंथ के लिए क्योंकि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सपायर था। सो उन्होंने भी बोला है कि आप अपना स्टडी परमिट द्वारा अप्लाई कीजिए अपना मेडिकल करवाने के बाद। सो दोस्तों यही थी आज की पीपीआर टाइमलाइन 16 अप्रैल की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो अगर आपकी भी पीपीआर किसी टाइमलाइन से मैच करती है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, अपनी टीपीआर मैच कीजिए एंड आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपका मेडिकल कब अपडेट होने वाला है, आपकी पीपीआर कब आने वाली है। सो दोस्तों थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप इन माइंड मेडिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एवरीवन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड इफ़ योर मेडिकल इज़ एक्सपायर्ड डू अगेन। So thank you guys for watching this video and please share this video with others.